रूस का नया मोबिलाइजेशन प्लान सामने आया। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। रूस फिर 5 लाख लोगों का करेगा मोबिलाइजेशन। स्प्रिंग और समर में युद्ध के लिए होगी भर्तियां। यूक्रेन ने किया दावा, मोबिलाइजेशन के लिए युवाओं को दी जाएगी ट्रेनिंग। क्या ये बात सही है या गलत है? सीधे आइए इस खबर की जरा डिटेलिंग देखिए। 5 लाख सैनिकों की भर्ती करेगा रूस। सीधे आइए बिग वॉल पर। रूस 5 लाख लोगों का मोबिलाइजेशन कर सकता है। नंबर वन चेंज करिए। रूस के नए मोबिलाइजेशन प्लान को लेकर यूक्रेन ने दावा किया है। नेक्स्ट दिखाइए। वसंत और गर्मियों में युद्ध के लिए रूस नहीं भर्तियां करेगा। यूक्रेन मिलिट्री इंटेलिजेंस के मुताबिक ईस्ट और साउथ में हमले तेज करेगा रूस। रूस ने मोबिलाइजेशन पर यूक्रेनी दावों को खारिज कर दिया है। मैं सीधे चलूंगा, मेरे साथ प्रोफेसर राजन मौजूद है नीचे। तीनों ब्रेकिंग प्ले ऑन करिए, जर्मनी, फिनलैंड और अमेरिका वाली, और उनके शॉट्स के साथ। राजन सर, रशिया मोबिलाइजेशन करेगा, अमेरिका, जर्मनी और फिनलैंड लॉलीपॉप्स दे रहे हैं। वो वेपन्स नहीं है, वो लॉलीपॉप्स हैं, कैंडीज हैं, अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये खबरें उड़ा रहे हैं या वाकई में रशिया को मोबिलाइजेशन की जरूरत है। देखिए निशांत, मैं पहले तो ये बताता हूँ कि आज रूस में अगर होते आज तो वहाँ पे क्रिसमस मनाया जा रहा है। 7 जनवरी का दिन होता है जहाँ क्रिसमस मनाया जाता है, और 3 दिन पहले जो आपने देखा कि सीज फायर का ऐलान किया था, इसी कारण से किया था क्योंकि रूस और यूक्रेन में ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी दोनों जगहों पर है और वो चाहता था कि किसी ढंग का सीज फायर यूक्रेन भी माने और उससे एक चर्चे की शुरुआत हो। मैंने कुछ दिन पहले ट्वीट भी किया था कि क्यों इस ढंग के दिन पे प्राइम मिनिस्टर मोदी को पुतिन से और दूसरे लीडर से बात करनी चाहिए। खैर वो अलग बात है, लेकिन जहां तक पार्शल मोबिलाइजेशन की बात है तो मुझे जो रशियन रिपोर्ट्स हैं निशांत, उसके हिसाब से उनका कहना है कि अभी जो उन्होंने पहले मोबिलाइजेशन किए थे उसमें केवल आधे फोर्सेस को उन्होंने अभी लगाया है फील्ड में और आधे फोर्सेस अभी भी उनके रिजर्व में, तो सारे फोर्सेस को नहीं लगाया। कहा जाता है कि लगभग 2.5 लाख फोर्सेस हैं जो कि रूस की तरफ से अभी डोनबास या दूसरे रीजन पे वहां पे हैं, तो उनको अभी तत्काल जरूरत नहीं है। लेकिन यह मान के चले कि रूस का जो इतिहास रहा है, हमने वर्ल्ड वॉर में देखा, उससे पहले भी देखा है, अगर जरूरत पड़ी तो रूस 5 लाख नहीं उससे ज्यादा भी मोबिलाइज कर सकता है। रूस यह मान के चले कि रूस हार मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होगा और जिस ढंग से नेटो सप्लाई कर रहा है वह एक रियल इशू है। अभी जो आर्म्स दिए जा रहे हैं वो पहली बार आपने देखा कि जर्मनी भी आर्म्स दे रहा है, फ्रांस भी, और वो उस कैटेगरी के आर्म्स दे रहा है जो कि पहले एक तरह से उस पर टैबू था, एक तरह से बैन था। तो निश्चित रूप से एक तरह से एस्केलेशन देखा जा रहा है और लोगों को लग रहा है, जो एक्सपर्ट्स हैं उनको लग रहा है कि दूसरे फेज के वार की संभावना है जिसमें दोनों तरफ से एक नए स्तर का युद्ध आपको देखने को मिलेगा।